subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुक्सा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी, मोजी वायरस ने मजीद 55 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 1974 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई है। वज़ीर आज़म करप्शन पर समझौता नहीं कर सकते, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पीटीआई की तमाम जद्दोजहद करप्शन के खिलाफ है। इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलमबरदार नहीं हो सकते, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का किरदार अहम है। मुल्क में सियासी दर्ज हरारत कम होता देख रहा हूं, शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अपोजिशन सेनेट के इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात दोनों में हिस्सा लेंगी। पीडीएम का स्टेज पंजाब दुश्मन पार्टियों की अमाज का है, फवाद चौधरी कहते हैं कि नाम निहात नेशनलिस्ट अरबों रुपए डकार के अपने लोगों को धोखा देने के लिए पंजाब को गालियां देते हैं। तब्दीली सरकार ने नए साल के मौके पर आवाम पर पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारी कर ली, 1 जनवरी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला, आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। कोरोना वायरस से मजीद 55 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 9,929 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के 2,263 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस ने मजीद 55 अफराद की जान ले ली, जबकि 1,974 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोविड-19 के मुस्बत केसेस की शरह 6.13% हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 39,488 है और अब तक 9,929 अमवात हो चुकी हैं, जबकि मर्ज से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,23,892 है। सरकारी हुकाम के मुताबिक मुल्क में 2,263 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है और इस तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,205 टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक किए गए टेस्ट की तादाद 65,89,317 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4,73,309 हो गई है। सिंध में 2,11,276, पंजाब में 1,36,147 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा 57,467, बलूचिस्तान में 18,082, इस्लामाबाद 37,272, गिलगित बल्तिस्तान में 4,850 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 8,215 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत शरह के लिहाज से एबटाबाद सबसे आगे है, जहां शरह 15.95% तक जा पहुँची है। कराची 14.81 के साथ दूसरे और हैदराबाद 14.47% के साथ तीसरे नंबर पर है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि हिजब इख्तलाफ से करप्शन के सिवा हर मसले पर बात हो सकती है, बैरोनी अनासिर मुल्क में अदम इस्तेकाम चाहते हैं, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत की तमाम जद्दोजहद करप्शन के मुतालिक है, वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन पर समझौता नहीं कर सकते, बाकी हर मसले पर बात हो सकती है। ऐवान सदर में माजूर अफराद के हवाले से मीडिया वर्कशॉप के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था
कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में 99% भारत का हाथ है और अदम इस्तेहकाम में बैरूनी अनासर मुलविस हैं। आरिफ अलवी कहते हैं कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े के मुतालबे की कोई वजह नहीं बनती, ये कैसे हो सकता है कि हिज़्ब इख्तलाफ मुतालबा करे और सोचें सुबह उठेंगे तो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। हमारे 125 दिन के धरने में 4 हलके खोलने का मुतालबा था। धरने के वक्त इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात उस वक्त की हुकूमत का मुतालबा था। उस वक्त की हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया था कि इमरान खान से बात करे। सदर मुमलिकत ने बताया कि वज़ीर आज़म से दिन में कई मरतबा टेलीफोन पर राबता होता है। आरिफ अलवी कहते हैं कि कौमी डायलाग के लिए बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली ही कोई रास्ता निकालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क के इदारों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। रियासत के तमाम सतून अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले किसी सूरत जमहूरियत के अलमबरदार नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों के मजबूत होने को अहम करार देते हुए कहा कि इदारों पर अपनी सियासत चमकाने के लिए उंगलियां उठाने वाले किसी कीमत पर जमहूरियत के अलमबरदार नहीं हो सकते। रियासत के तमाम सतून अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर ऐवान ने मुलाकात की, जिसमें आईनी कानूनी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। बाबर ऐवान ने मौशी इस्तेहकाम और कोरोना से बचाव की हुकूमती पॉलिसियों को हुकूमत की अहम कामयाबियाँ करार देते हुए कहा कि अंधेरे फरोशों का पाकिस्तान में अब कोई मुस्तकबिल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद का कहना है कि PDM के इस्तीफ़ों का मामला 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक चला गया है। इमरान खान PDM की गीदड़ भक्कियों से नहीं डरते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन सेनेट के इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात दोनों में हिस्सा लेगी। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होता देख रहा हूँ, हालात वो नहीं जो दिखाई दे रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि इस्तीफ़ों का मामला 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक चला गया है। PDM की गीदड़ भपकियों से इमरान खान 31 जनवरी तो क्या 31 मार्च को भी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। शेख रशीद का कहना था कि पूरी उम्मीद है अपोजिशन सेनेट के इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात दोनों में हिस्सा लेगी। अपोजिशन में इस्तीफ़ों पर इख्तिलाफ और लॉन्ग मार्च पर इत्तेफाक है। इस्तीफे देने के बजाय अपोजिशन लॉन्ग मार्च करेगी, उन्होंने जब आना है आए। अपोजिशन ने कानून को हाथ में लिया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि 10 बरस से बलूचिस्तान को हर साल 400 अरब रुपए मिल रहे हैं। बताया जाए कि 1 करोड़ की आबादी है, ये पैसा कहाँ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का स्टेज पंजाब दुश्मन पार्टियों की अमाजगाह है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आधी आबादी पंजाबी है, PDM का स्टेज पंजाब दुश्मन पार्टियों की अमाजगाह है। नाम नेहाद नेशनलिस्ट अरबों रुपए डकार के अपने लोगों को धोखा देने के लिए पंजाब को गाली देते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि 10 सालों से बलूचिस्तान को औसतन 400 अरब रुपए हर साल ट्रांसफ़र होते हैं, 1 करोड़ की आबादी है, ये पैसा कहाँ गया। 1 जनवरी से पेट्रोल की कीमत 2.74 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 3.12 रुपये फी लीटर तक बढ़ सकती है। ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। 1 जनवरी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। 1 जनवरी से पेट्रोल 2.76 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 3.12 रुपये फी लीटर तक बढ़ सकती है। ओगरा ने 1 जनवरी से 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। इससे कबल हुकूमत ने 15 दिसंबर को पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में भी 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।